हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन टिप्स विद दिशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम अपने दाल सब्जी हर खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं और हमें इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद भी करता है। तो मेरी आज की वीडियो लहसुन से ही रिलेटेड होने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं या हम कभी कोई छोटा मोटा फंक्शन भी करते हैं, तो हमें क्या होता है कि दाल सब्जी बनाने के लिए लहसुन को इस्तेमाल करना पड़ता है। और लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हमें उसको छीलना होता है, क्योंकि लहसुन छीलने में हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है निकल जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स में इसको छीलने के बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप लहसुन को मिनटों में ही छील के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वो पहला मेथड कौन सा होने वाला है। पहले मेथड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पूरा के पूरा लहसुन कैसे इजीली अपना छील सकते हैं। इसके लिए ना तो ही आपको तोड़ना पड़ेगा और ना ही आप इसको कलियों में अलग करना पड़ेगा। आप इसको पूरे के पूरे लहसुन को ही मिनटों में छील सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेनी है एक कटोरी और आपने इस लहसुन को इसमें रख के बस आपने क्या करना है, इस लहसुन को आपने थोड़ा सा गीला करना है पानी से। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको गीला कर लिया। अब हम लेंगे दूसरी कटोरी और अपने गीले लहसुन को इसमें रख देंगे। अब हमने इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है। ये देखिए, मैंने 30 सेकंड तक माइक्रोवेव इसको कर लिया है। ध्यान रहे, आप जब इस लहसुन को माइक्रोवेव में रखें तो इस बात का ध्यान रहे कि जो आपका जो कंटेनर है वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको इसको अभी छील के दिखाती हूँ, ये पूरा पूरा कैसे ही लहसुन छिल जाएगा। ये आपके सामने मैं आपको पूरा लहसुन जो है साबुत का साबुत ही छील के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारी की सारी लहसुन की कलियों को इस तरीके से छील लिया है। आप देख सकते हैं, ये लहसुन की कली हमारी पूरी की पूरी छिल गई है, ये छिल गई है, ये सारी की सारी हमारी छील के अलग हो गई हैं। अब इसके कारण हमारा छिलका सारा अलग हो गया है और हमारी कलियाँ अलग हो गई हैं। दो तीन तो ये देखिए निकल के नीचे भी गिर गई हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे लहसुन को एक ही बारी में सारा छील सकते हैं। और इसको छीलने में आपने देखा है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। ये देखिए, हमारा ऊपर का पोर्शन ये अलग रह गया है और हमारी लहसुन की कलियाँ सारी छील के अलग हो गई हैं। इस तरीके से आप अपना ढेरों लहसुन माइक्रोवेव की मदद से मिनटों में ही छील सकते हैं। माइक्रोवेव की मदद से तो हमने लहसुन को मिनटों में छीन लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं होता, तो वो लहसुन को कैसे छीले? तो उसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बता रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले लहसुन को आपने कलियों में अलग कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गैस पे एक पैन चढ़ाना है, उसके अंदर इस कलियों को डाल के आपने 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, या जब तक रोस्ट करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके जो लहसुन की कलियां हैं उसका कच्चापन दूर हो जाएगा, और दूसरा जो है बारिश के चक्कर में आजकल जो कलियों में जो मॉइस्चर आया हुआ है लहसुन में, वो भी इसकी मदद से दूर हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप अब इसको एक प्लेट पर निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। देखेंगे आप, जैसे ही ये ठंडा होगा उसके बाद आप इसको किसी कपड़े के ऊपर, या जैसे मेरे पास ये नेट की थैली है उसमें मैं डाल लूँगी। डालने के बाद आप अपने हाथों से इसको अच्छी तरीके से रब कर ले। देखिए, जैसे ही मैंने रब किया है, आधे छिलके तो इसके उतरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब हम उसको रोस्ट करते हैं तो इसका छिलका जो है क्रिस्पी हो जाता है और वो अपने आप ही इसके जो है स्किन को छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए, मैंने इसको रब कर लिया है। अब इसमें से आधे आपको छिले हुए तो इसके थैली के अंदर ही दिखाई दे जाएंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और जो थोड़े बहुत छिलके रह गए हैं उसको हम हाथों की मदद से झटपट से छील लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी तरीके से हमने लहसुन को कितने आराम से छील लिया। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला तरीका लहसुन को छीलने का। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ये लहसुन ले लिया है पूरा साबुत, इससे पहले इसका जो ये रूट पार्ट है इसको हमें लहसुन से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नाइफ की मदद से इसके रूट पार्ट को इस तरीके से, ये देखिए हमने इसके रूट पार्ट को इस तरीके से अलग कर लिया है।
अब हम इसके लहसुन को छीलेंगे। अब ये हमारे लिए छीलना कितना आसान हो गया, ये देखिए रूट पार्ट अलग हो गया, तो हमारा लहसुन बहुत ही इजीली छील जाएगा। अब जैसे कि ये लहसुन है, हम इसके बैक साइड से लेंगे नाइफ और इससे हम इसको छीलते हुए, चाहे तो आप हाथ से छीले चाहे आप नाइफ से छीलें, देखिए कितने इजीली इसका छिलका अलग हो रहा है और हमारा मिनटों में जो है लहसुन जो है छिलके तैयार हो गया। जैसे ही आप इसका रूट पार्ट काटेंगे तो आपके आधे छिलके तो रूट के पार्ट काटने के साथ ही अलग हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, पीछे से आपको इसको थोड़ा सा छीलना है। तो आप देखिए ऐसे छीलते ही आपके लहसुन 2 मिनट में अलग हो। चलिए अब देख लेते हैं अगला मेथड इसको छीलने का कि हम इसको कैसे मिनटों में छील सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले तो लहसुन को आपने कलियों में अलग कर लेना है। ये जैसे कि मैंने एक कली अलग अलग कर रखी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे छीलना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक उंगली जो है आपने इसके ऊपर की साइड पे रखनी है और अंगूठा जो है नीचे की साइड पे रखना है। पूरा प्रेशर देते हुए इस तरीके से आपने इसको अंदर की तरफ को प्रेस करना है। ये देखिए जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका लहसुन जो है छिलकों को अलग से छोड़ देगा। और ये देखिए आपका लहसुन 2 मिनट में छिलकर तैयार हो गया। मैं आपको एक और छिलके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ली लहसुन की एक कली। क्या करना है, इसका जो ऊपर का रूट पार्ट है इस पे हमने रखनी है उंगली और इसके नीचे वाले पार्ट पे हमने रखना है अंगूठा और दोनों हाथों से हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ को प्रेस करना है। अब जैसे इसको अंदर को प्रेस करेंगे वैसे ही इसका छिलका अपने आप टूट के बाहर को आ जाएगा। जैसे मिनटों में छिलका इसका अलग हो गया और हमारा लहसुन छील के हमारे हाथ में आ गया। इस तरीके से भी आप कलियाँ अलग करके ढेरों लहसुन छील सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताने वाली हूँ कि आप लहसुन को कैसे छील सकते हैं। इसके लिए आप ले लहसुन को, इसको हम रखेंगे अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और उसके बाद आपने लेना है एक नाइफ और नाइफ की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये आपका लहसुन जो है इसका छिलका जो है अलग हो जाएगा और ये लहसुन आपका मिनटों में छिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स लास्ट मेथड बताने वाली हूँ जिसके जरिए आप ढेरों लहसुन जो है मिनटों में छील सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, लहसुन की जो है पहले सारी कलियाँ अलग कर लेनी है। उसके बाद हम कोई भी एक बर्तन लेंगे, उसको अपना गैस पे चढ़ाकर हम पानी गर्म कर लेंगे। मेरे पास बर्तन कोई भी भगोना अभी फिलहाल खाली नहीं था तो मैंने इसलिए कुकर को ही गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, करीब 1 ग्लास के करीब पानी में डालूंगी। वो बाकी आप अपनी लहसुन की क्वांटिटी पे देख लें कि आपके लहसुन ज़्यादा हैं तो थोड़ा पानी आप ज़्यादा रख लीजिए, अगर आपके लहसुन कम है तो आप पानी थोड़ा सा कम रख लीजिए। और उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। जी हाँ, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद मेरी ये जो सारी लहसुन की कलियाँ हैं हम उसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको ढककर रख देंगे 5-10 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5-10 मिनट हो चुके हैं, अब हमने इसके ढक्कन को हटा के अब इसके पानी को लहसुन समेत एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा ठंडा होगा तब हम इसको छीलना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे आप गर्म गर्म में छीलेंगे तो आपके हाथ जलने का खतरा बना रहेगा। तो जैसे ही देखिए मेरा पानी ठंडा हो गया, अब मैं आपको छील के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे लहसुन आगे से पहले से ज़्यादा फूल गए हैं और थोड़े से इनका छिलका भी सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, जिस चीज़ में भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं वो उस चीज़ को फुला देता है और उसकी सॉफ्ट बना देता है। तो अब हमारे ये लहसुन सॉफ्ट हो गए हैं, अब देखिए मिनटों में ही इनका छिलका उतर जाएगा और हमारे ढेरों लहसुन ही झटपट छील कर तैयार हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैंने लहसुन को छीलने के तरीके तो मैंने बता दिए। जब हम लहसुन को छील लेते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने ये आपको पहले तरीके में बताया था कि लहसुन को कैसे छीलना है, तो छीलने के बाद जब हम इनके छिलके को अलग कर देते हैं तो हमें कभी भी इसकी ये जो स्टेम वाला पार्ट है इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। इसको आपको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लहसुन का जो है पूरा पूरा फ्लेवर या लहसुन के पूरे गुण होते हैं। जैसे कि ये इसकी जो स्टेम पार्ट है इनको मैं कभी नहीं फेंकती, इनको संभाल के रखती हूँ। और इसका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ, आप भी जब लहसुन छीलें तो इनको ज़रूर संभाल के रखें। इसका इस्तेमाल करें कि जब भी आप अपने घर पे दालों को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए, जैसे आप हमेशा इनको कीड़ों से बचाने के लिए कभी इसमें तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं या लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास तेज पत्ता या लाल मिर्च वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी रूट्स वाला जो ये स्टेम होता है इसको आप अपने दालों में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके दालों में कोई भी किसी प्रकार का भी कीड़ा नहीं लगेगा।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले हैक की तरफ। कई बार जब हम मार्केट से लहसुन खरीद के लेकर आते हैं और कई बार हमें सस्ता मिलता है तो हम ढेर सारा लहसुन ले आते हैं। अगर हम उसको ठीक तरीके से स्टोर करके ना रखें तो आप देखेंगे कि आपका लहसुन इस तरीके से ख़राब हो जाता है। उसके अंदर इस तरीके से ये जो काई है जैसे आप देख रहे हैं ना ऐसी लगनी शुरू हो जाती है, जो कि पूरे एक कली में होती है तो धीरे धीरे ये पूरे लहसुन में फैल जाती है और पूरा लहसुन जो है ख़राब कर देती है। और एक ख़राब लहसुन जो है सारे लहसुन को ख़राब कर देता है जहाँ भी आपने इसको स्टोर करके रखा है। तो इसको स्टोर करने का भी मैं तरीका आपको इस टिप में बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे स्टोर करके रखें जिससे कि आपका लहसुन ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे और ख़राब ना हो। चलिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है लहसुन। और लहसुन लेने के बाद आपने जो इसका ये रूट पार्ट होता है इसको आपने क्या करना है, किसी भी कैंडल की मदद से या आप गैस की मदद से या आप लाइटर की मदद से आपने इसके इस वाले पार्ट को जला देना है। ये देखिए जैसे कि मैं जला रही हूँ ना, इस तरीके से आप इसके रूट पार्ट को जला दें। इसके बाद आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ये लहसुन जो है काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और ये ख़राब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने लहसुन को छीलना और उसको स्टोर करना तो देख लिया। अब मैं अपनी लास्ट टिप में आपको बताने वाली हूँ कि आप लहसुन से कैसे मक्खी मच्छर को भगा सकते हैं। आपने देखा ही है कि आज का रेनी सीजन चल रहा है, हमारे घर में मक्खी मच्छर बहुत आए हैं जिसके कारण हम परेशान हो गए हैं। तो ये लहसुन हमारा किस तरीके से मक्खी मच्छर भगाने में मदद करता है देख लेते हैं इस टिप में। इसके लिए क्या करना है, ये जो मैंने लहसुन की कलियाँ छीली हुई हैं चाहे तो आप इसको ग्रेट कर लें, चाहे तो आप किसी मोटर की मदद से इसको थोड़ा सा कूट लें। ये देखिए जैसे कि मैंने ये एक कली को ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कपूर का। इसके लिए मैंने कपूर की भी एक टैबलेट ली है, इसके साथ ही हम इसको कूट लेंगे। वैसे दोस्तों मैंने कपूर से रिलेटेड एक फुल वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप जाकर उसको ज़रूर एक बार से ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए। अब हमने क्या करना है, अब लहसुन के साथ ही हमने इस कपूर को कूट देना है। हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस हमें हल्का सा कूटना है, चाहे तो आप इसको ग्रेड भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें ज़रूरत होगी इसके लिए कॉटन की। ये देख लिए मैंने कॉटन के दो पीसेस ले लिए हैं, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस लहसुन को इस कॉटन की बाती में डाल देंगे और इसके बाद दूसरी बाती रख के हम इसको अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। चलिए अब लहसुन को बीच में डाल के अब हम इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी बाती बनकर तैयार हो गई है। अब हम लेंगे एक दिया और उसके अंदर इस बाती को लगा लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। आप इसकी जगह कोई भी तेल ले सकते हैं। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सरसों का तेल जो है मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी सरसों का तेल और अब हम इसको जला लेंगे। इस दिए का इस्तेमाल आप अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं, चाहे कमरे में, बाथरूम में, टॉयलेट में, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां भी आपको लगता है कि आपके उस जगह पे मक्खी मच्छर ज़्यादा आते हैं। इसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे शाम के टाइम पे अपने घर पे कर सकते हैं। इससे देखेंगे इसको रेगुलर जलाने से आपके घर के जो मक्खी मच्छर हैं एकदम भाग जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।